गाइस फाइनली हमने चेक इन कर लिया है यहाँ पे। होटल मिला था उसमें, अब मतलब मैं, वीर और वीर के पापा, हम लोग आ गए पहले और वो लोग सब आ रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी ना बाहर, तो फिर हम लोग पहले आ गए, वो लोग बाद में आ रहे हैं। तो वीर सो रहा है, अब चलते हैं, तब तक अपना फ्रेश अप हो लेते हैं अच्छे से, फिर नहाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। सब ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं नहीं करूँ क्योंकि मैंने ना खाना खा लिया सुबह उठते, क्योंकि पूरी रात वीर को फीड करा है तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। फिर ये था क्योंकि वीर कंफर्टेबल नहीं था, तो शायद वो वीर सोया ही नहीं पूरी रात, अब सो रहा है, अब अपनी नींद अच्छे से पूरी करेगा। तो कैसे मैं अपना रूम दिखाती हूँ, पहले ये वॉशरूम है, ये हमने ड्यूअल बेड वाला लिया है क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, बस सामान ही तो रखना है, वीर सो रहा है। ऐसे यहाँ पर टीवी भी है जो कि हम देखेंगे नहीं, सही है सामान रखने के लिए और नहाने के लिए। अभी तब नहा लेंगे हम लोग। तो गाइस मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद, देखते हैं क्या होता है। रात का तो मतलब गजब सफ़र था, सफ़र क्या गजब था, वीर ने इंजॉय नहीं करा ना करा ना करने दिया। तो रात को तो नींद भी बस ऐसी पूरी हुई थी, ऐसे ही कुछ था बस। तो गाइस चलते हैं, अभी हम ब्लू सफ़ायर में रुके हैं, तब तक वीर अपनी नींद पूरी कर लेता है, हम देखते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। मैं हो गई रेडी, अब हम करेंगे चढ़ाई, तो मैं दिखाती हूँ कैसी लग रही हूँ। बहुत ठंड है और ऐसे सुनने में आया कि ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो और मतलब मैं व्यू दिखाती हूँ नीचे से, ऐसा बिल्कुल वाइट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइस देखो ये है बाहर का व्यू, अब दिखाती हूँ वहाँ का जहाँ बर्फ़ पड़ रही है। देखो दिख रहा है पहाड़, ऊपर जाएंगे हम वैष्णो देवी मंदिर, वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है और पूरा वाइट हो रहा है, शायद बर्फ़ पड़ रही है, बारिश हो रही है। एक्साइटेड हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लव्स पहन लिए, पूरा पैक है, अब देखते हैं कैसी ट्रिप रहती है। आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं थोड़े देर बाद। वीर वीर के पीछे लग रहे हैं, वीर को पहनाई ग्लव्स, वीर पैक कर दिया अभी, तो वीर इसके ऊपर एक फुल जिनू बैठ गया पापा पास। तो गाइस चलते हैं, गाइस बस सब चलते हैं चढ़ाई पे, फिर एग्जिट, बाहर का व्यू दिखाऊंगी। अभी सब निकल रहे हैं, सब अपने रूम्स के बाहर खड़े हैं, बस पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तब तक चलते हैं हम। तो हम बहने पहले बाहर चलते हैं, हम पहले एग्जिट करते हैं फिर आएंगे सब हमारे पीछे पीछे। सुनो गाइस फॉलो अस, गाइस यहाँ पे हो रहा है, मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, मेरा कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देखना ऊपर भी बहुत हो रहा है बाहर पे। ये रवीर अपने पापा के साथ पैक कर, देखना वीर को सॉक्स बना दी इसके पापा की ओर। दिखाती हूँ लाइव बर्फ ये पड़ने लग रही है, गाइस चलते हैं वहीं पे चलते हैं ऊपर। चुन्नी चढ़ाने वाला रेनकोट भी ले लेते हैं, पापा इधर है ना, पापा मान बाहर हो रही है बारिश, तो अपना रेनकोट लेंगे क्योंकि थोड़ी देर तक तो चलना पड़ेगा ना, फिर तो पैक नहीं, मुंह में हाथ नहीं।
पी लो, पैक हो रहा है मैं बेटा, ठंडी ठंडी लग रही है, वाटर प्रूफ है, सही है, ठंड भी नहीं लगेगी। पी लो, परेशान तो नहीं, और वीर कितनी बड़ी बड़ी सोच बन रखी है। तो बस वे और आने वाले हैं बड़ी मम्मी, तब लेंगे हम प्रसाद, तब तक बैठते हैं यहाँ पे। अभी बड़े वाले तो ये है, ये नॉर्मल दोस्तों जैसे उसके अंदर ही यहाँ से प्रसाद तो नहीं चढ़ता, वहाँ पे चुन्नी दे दी है, चुन्नी और चोला और मुकुट, तो अब प्रसाद आने नहीं जाता और ऊपर से भी नहीं मिलता, नीचे से ही लेके जाना पड़ता है, तो हमने अब ले लिया। अब हम शुरू करते हैं चढ़ाई, आ गए सब लोग, चलते हैं गाइस। अब यहाँ पे भी चुनरियाँ मिल रही हैं, हमने वहाँ से ले ली। देखो ऊपर बरा, यहाँ पे ये चुन्नी बांधी हुई है, कितने कितने यात्री, वीर से भी छोटा। यहाँ पे पड़ रही है बर्फ, और ये है एंट्रेंस। आगे सब इकट्ठे हो गए, अब चलते हैं हम चढ़ाई करते हैं। निशांत भाई और रौनक भाई वहाँ गए हैं कार्ड लेन, यात्रा पर्ची लेन, ये ले रही, तो अब फिर चलते हैं, वीर अपने पापा के पास है, चलते हैं, करते हैं। यहाँ पे ये रोप बांधी हुई है ताकि वहाँ पे ना जाए कोई, क्योंकि खाई है ना नीचे, लेकिन हम दिखा देंगे नीचे क्या है। यहाँ पे तो ये कुछ शॉप्स है, और इतनी हाइट नहीं है मेरी, पोल आ रहा है अच्छे से, क्लियर नहीं हो पा रहा, ये रोड जा रहा है नीचे, तो वहाँ पे है, कभी कोई छलांग लगाते तेरे मंदिर, कितने सारे घर बने हुए, पहाड़ों पे भी दुनिया बसी है, देखो कितना अच्छा पहाड़ है, पर देखो वहाँ पड़ रही है बर्फ यार, वहाँ पे तो जाना है। वहीं ये मिल गया, इसमें कुछ होता है, मतलब जैसे हम गुम हो जाएंगे तो हमारी इन्होंने फोटो क्लिक कर ली, देखो जैसे हम मम्मी की कर रहे हैं ये, इसमें से वो कैमरा लगा हुआ वहाँ पे, तो फिर उसे पास में जाएगा, इसे कोई गुम नहीं हो सकता। ठंडी ठंडी हवाएं, मजे आ रहे हैं, चलते हैं आप फिर। हो गए हमारे पास सब कुछ, चलते हैं फिर। वो हो रहा है चेक, तो सामान हमारा एक्सरे हो गया, हमारे सामान का मेंस वाली कितनी लंबी लाइन है, मम्मी वीर को ले आते तो हम सही रहता, क्योंकि धूप पड़ रही है यहाँ, लंबी लाइन है, लंबी लाइन है। हमारी ट्रेन यहाँ पर स्टे करेंगे, वहीं पे रहेंगे दो तीन दिन। अब यहाँ से भी रास्ता है जाने का, यहाँ से भी रास्ता है, तो देखते हैं कहाँ से चढ़ाई करेंगे, बीच बीच में सीढ़ियाँ यूज कर लेंगे, अभी ये लोग भी आते होंगे वीर को लेके, तब तक हम चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे करेंगे, पर सब हो जाएगा, माता रानी सब पहुंचा देगी, कति छोटे छोटे बाल है, कति कितने प्यारे लग रहे हैं, रेनबो कैसे जाएंगे, हमारा भी रेनबो पहन आया, सो रहा है गाइस। देखो मम्मी ने इसके यहाँ हैंकी लगा दिया ताकि थके नहीं, ये भीगने नहीं दिया हमने, भीगने नहीं दिया भाई, इसका ध्यान रखेंगे सबसे पहले, बिल्कुल पैक हो गया है, चलते कैसा दर्द तो नहीं होगा, इस बैग को लेके कहाँ जा रहा हूँ बच्चा फिर उन्होंने देखा नहीं बच्चा है, क्यूट है, सो रहा है।
स्ट्रॉलर की भी सुविधाएं दे रखी हैं, मतलब वो लोग हमें बार बार रोक के बच्चा इसमें सो जाएगा, नहीं हम उसी में ज्यादा कम्फर्टेबल है यहाँ पे।